नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7, 8 और 9 जून की आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी उसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो आइए दोस्तों, से के साथ बात करते हैं अश्विनी ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीजों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन तीन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे होते होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं, सुनिए आप करके इन दिनों को और भी लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों निवेदन है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहले जानते हैं इन तीनों की ग्रहों की स्थिति के बारे में। 7 जून की बात करें तो दोस्तों, इस दिन सोमवार का दिन रहेगा, कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी और इस दिन भरने नाम का नक्षत्र रहेगा। दोस्तों, इन दिन योग की बात करें तो अति गंड नाम के शुभ योग के बाद शुक्रमा नाम का शुभ रहेगा। राहु काल का समय इस दिन सुबह के 7:24 से लेकर सुबह के 9:05 रहेगा। दोस्तों ध्यान रहे, आप राहु काल के समय में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य को ना करें। और दोस्तों, चंद्रमा दिन मेष राशि पर संचार करेंगे। वहीं दोस्तों, अगले दिन की बात करें तो मंगलवार का दिन रहेगा, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, कृतिका नाम का नक्षत्र और शुक्रमा नाम का शुभ योग इस दिन भी रहेगा। राहु काल का समय 3:46 से लेकर 5:27 रहेगा। वही दोस्तों, चंद्रमा दिन मकर राशि के उपरांत वृषभ राशि में संचार करेंगे। वही दोस्तों, आखिरी दिन की बात करें 9 जून की तो दोस्तों बुधवार का दिन रहेगा, चतुर्दशी तिथि और कृतिका नाम का नक्षत्र इस दिन रहेगा। दोस्तों, इस दिन धृति नामक शुभ योग रहने वाले हैं और यह आपके कार्यक्षेत्र के लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। राहु काल का समय दिन दोपहर के 12:26 से लेकर दोपहर के 2:06 रहेगा। दोस्तों, चंद्रमा दिन वृषभ राशि पर ही संचार करेंगे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं इन तीन दिनों के जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का यह गोचर आपकी राशियों पर क्या क्या प्रभाव डालते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, यह समय आप अपने आप पर भरोसा करते हुए अपने काम काज को बेहतर दिशा देने का प्रयत्न करें, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगा। दोस्तों, आप एक सुलझे हुए व्यक्ति की तरह समय के अनुसार कर सकते हैं, इसलिए आप अपना प्रयास जो है जारी रखें। वही दोस्तों, यह समय नेगेटिव की अगर बात करें तो राहु परिजनों से सामंजस्य बिठाने में कठिनाइयां पैदा करेगा। परिवार के कुछ लोगों का वर्ताव जो है यह समय ठीक नहीं रहेगा। ऐसे में विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए आपको अपने अंदर प्रतिरोधात्मक शक्ति जो है विकसित करनी होगी। आपको बहुत संतुलन बनाते हुए यह समय आपको आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, ये दिन आपके लिए पूंजी निवेश करने का भी अच्छा मौका आपको दे सकता है, ये अच्छा मौका आपके जो हाथ यश में आ सकता है। दोस्तों, आपको अपने सारे शांति और धैर्य के साथ काम करने होंगे। दोस्तों, यश में पूंजी निवेश के लिए आपके पास काफ़ी अच्छे अवसर आ सकते हैं। दोस्तों, यश में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति जो है संकेत कर रहा है कि आपको कोई अच्छा धन लाभ भी यश में जल्द ही मिल सकता है। दोस्तों, आपको इस बारे में कुछ कोशिशों को करना आवश्यक है, लेकिन जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, समय का आप इंतज़ार करें। वहीं दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों, यह समय आपको अपने काम का जो है बेहतरीन पुरस्कार मिल सकता है। बिजनेस के लिए जो है समय सकारात्मक रहेगा। दोस्तों, इन दिनों में आर्थिक स्थिति जो है सुदृढ़ रहने वाली है। अपने कार्य व्यवसाय में संबंधित जो भी कार्य हैं या फिर किसी अन्य कार्य से आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। यह समय आर्थिक लाभ प्राप्त होने के अच्छे मौके जो है मिलेंगे आपको, अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। बशर्ते दोस्तों, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन अवसरों को अपने ऊपर किस प्रकार लेते हैं, आप उन्हें पकड़ पाते हैं या फिर उन्हें आप छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, हमारी सलाह यही है कि आप मौके से बिल्कुल ना चुकें, मौके का फ़ायदा उठाएँ। वही दोस्तों, यह समय अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों, अपने प्रेम संबंधों को लेकर यह समय जो है अनुकूल नहीं कहा जा सकता। आप दोनों अपने ईगो के चलते यश में जो है किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे, जिससे दोस्तों बात बनने के बजाय बिगड़ भी सकती है। दोस्तों, इन दिनों में रिश्तों में गहराई आने का समय रहेगा। जीवन साथी या फिर प्रेम से बहुत अच्छा सहयोग भी यश में मिलेगा। दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो आपको काम करते समय सावधानी रखनी होगी, भारी चीज़ों आपको चोट पहुँचा सकती है। दोस्तों, इन दिनों में आपको ज़्यादा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ेगा।
दोस्तों यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा हरा और भाग्यशाली अंक रहेगा 8। दोस्तों यश में गणेश जी सलाह देते हैं कि नौकरी या फिर व्यवसाय में आपको जो है कार्य की सराहना की जाएगी और जो है उसकी कदर भी आपको की जाएगी। यानी दोस्तों आपकी यश में जो है भावनाओं की कदर होगी, आपको जो पुरस्कार भी यश में दिया जा सकता है, ऐसी आशा आप यश में रख सकते हैं। परंतु यदि ऐसा न हो तो दोस्तों आप निराश हों बिल्कुल ना होएं। आप नौकरी में लाभ प्राप्त करने के लिए अधिक परिश्रम कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप गणेश जी का सलाह मानते हैं तो आपको पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना पड़ेगा। वहीं दोस्तों इन दिनों में यश में आपकी वित्तीय स्थिति यानी धन को लेकर बात करें तो यश में नई परियोजनाओं का जो है शुभारम्भ करने का या फिर नए कार्यों का काम करने के लिए यह एक बढ़िया समय होगा। जो भी आपके पास नया काम एकत्रित हो गए हैं उन्हें आप यश में कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप यश में अपने काम या फिर बहुमूल्य समय जो है संपत्ति को लेकर बहुत अधिक जो है स्वामित्व की भावना अपने आप में रख सकते हैं। शीघ्र निर्णय लेने के लिए यह समय सही नहीं है। दोस्तों सही वक्त का आप इंतज़ार करें। दोस्तों आप सही व्यक्ति से बात करें। दोस्तों यश में आप जो है चीज़ों के बारे में अच्छे पूरे का विचार ठंडे दिमाग से करके ही मामलों को तय करें। दोस्तों इन दिनों में आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें तो ग्रहों के पूर्वानुमान से पता चलता है कि खराब संचार या फिर असंतोष के कारण जो है आप अपने प्रेमिक से लाल पीले हो सकते हैं। पर्याप्त समर्थन प्राप्त नहीं होने से आप उससे जो है दूर भी रह सकते हैं। भावनात्मक स्थिरता का जो प्रबंध करना आपके लिए यश में महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों यश में आपको जो है धैर्य मधुर रिश्ते को बनाए रखने की कुंजी होगा। गणेश जी का ये जो है सुझाव है। दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो दोस्तों यश ये जो दिन है अच्छे वित्तीय अवसर आपको प्राप्त होने में सक्षम होंगे। जो है बहरहाल उनका जो है आप सही लाभ उठाने के लिए आपको सही योजनाओं और फिर सही निर्णय का सहारा लेना होगा। दोस्तों इन दिनों में शरीर में ऊर्जा शक्ति के उमड़ने से आपको अपने समय का सदुपयोग उन कार्यों में करना चाहिए जिन्हें आप जो है यश में शुरू करना चाहते हैं। नियमित रूप से फिट रहने के लिए आप यश में जिम भी शुरू कर सकते हैं। ज़रूरतमंदों की आप यश में सहायता करें, लेकिन ध्यान रखें कि आप इसे हद से ज़्यादा सहायता बिल्कुल ना करें। वहीं दोस्तों यश में आपकी जो है शाम कई जज्बातों से घिरी रहेगी, इसलिए दोस्तों यह समय जो है तनाव भी होगा, लेकिन ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी जो है खुशी है आपकी निराशाओं के मुकाबले ज़्यादा इसमें रहेगी। माता पिता की मदद से आप जो है आर्थिक तंगी से बाहर निकलने में कामयाब रहेंगे। रिश्तेदारों और दोस्तों से अचानक उपहार भी यश में आपको मिल सकता है। दोस्तों इन दिनों में जो है आपको अपने पीर की याद सताएगी। खासकर दोस्तों जीवन साथी के साथ खाली वक्त बिताते समय आपको लगेगा कि आपको उन्हें और अधिक जो है वक्त देना चाहिए। चीज़ें आपकी इच्छा के मुताबिक नहीं चलेंगी, लेकिन अपने हरदम के साथ आप जो है अपना अच्छे समय यश में गुजार सकते हैं। दोस्तों जब आपके जो पास ज़्यादा खाली समय हो तो नकारात्मक विचार आपको ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। अतः दोस्तों यश में आप सकारात्मक पुस्तकें पढ़ें, कोई मनोरंजन फिल्म भी देखें या फिर मित्रों के साथ समय को व्यतीत करें। दोस्तों यश में नींद शरीर की आवश्यक भूख है, परंतु ज़रूरत से ज़्यादा सोने से सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों इससे छुटकारा पाने के लिए आप जो है चारपाई के चारों पायों में चांदी का जो है कील लगवाएं। दोस्तों यश में आपको कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें कि यश में अगर आप मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, चाहे दोस्तों वह मंदी आपके व्यापार से जुड़े हो या फिर आपके नौकरी जागरण से जुड़े हो, जी हाँ दोस्तों, तो यश में आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें कि आप एक साफ शीशी में सरसों का तेल भर दें और फिर उस शीशी को नदी में प्रवाहित कर दें। जी हाँ दोस्तों, यह शीशी को आप नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करके जल्दी ही आप मंदी के प्रभाव को कम कर सकेंगे। और इसी प्रकार एक और उपाय है जिसे अपनाकर साधक अपने जीवन को सुखी बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय को अपनाने के लिए आपको बृहस्पतिवार या फिर मंगलवार के दिन चुन सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस दिन आप 7 घाट हल्दी और थोड़ा सा गुड़ व फिर पीपल का एक टुकड़ा फत्ता मिलाकर सब एक पोटली में बांध दें और ससुराल की दिशा में भी फेंक दें। दोस्तों ऐसा करने से वहां पर सुख शांति रहती है। तो दोस्तों आप इन उपायों को जरूर करें, आपके रिश्तेदार यश में खुश रहेंगे। तो दोस्तों इन उपायों को आप अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और साथ ही दोस्तों और ऐसे ही अधिक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।